हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि मम्मी पापा एंड चार्विक जाने वाले हैं शादी में, तो उनको पैक करना है खाना, इसलिए भी पराठे बनाए। मम्मी ने बोला पराठे और चटनी ही बना देना, तो और बाकी सबकी लिवी पर पराठे ही बन रहे हैं, तो हमने सोचा सभी घर पराठे ही खा लेंगे। तो यहाँ पर मतलब कुछ लोग खा भी चुके हैं, जैसे मम्मी पापा ब्रेकफास्ट तो कर लिया है उन्होंने, तो यहाँ पर मैं पैक करने के लिए उनके लिए पराठे बना रही हूँ। फटाफट बना के पैक भी कर दिए थे, तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है निकलने की। सारा सामान बाहर जा मतलब रख दिया है। और ये देखो चार्विक ने ना बैग का ये निकाल के ना लूज़ कर दिया, तो पापा इसको ही ठीक कर रहे थे। बच्चों को बहुत शौक होता है इसको, ट्रॉली इन सब चीज़ों का ना बड़ा ही शौक होता है कहीं भी जाने के लिए। ये तो कहता है कि मेरे लिए ना स्पाइडरमैन वाली ट्रॉली लेके आओ अलग से, तो मैं ना अपना सामान अलग लेके जाऊँगा। अभी भी बोल रहा था कि मुझे ना अपना बैग दो छोटा, मैं अपना लेके जाऊंगा, तो मम्मी ने बोला नहीं रहने दो, फिर कैसे संभालेंगे इतना सामान, क्योंकि दो ही जन हैं, मतलब मम्मी तो चार्विक का हाथ वाथ पकड़ेंगे, तो पापा ही हैं मेन तो उठाने के लिए सामान। तो बस यहाँ पर निकल चुके हैं और ये जा रहे हैं मम्मी पापा को बिठाने ऑटो में, सामान रखवा देंगे एक बार, फिर निजामुद्दीन से ट्रेन में जाएंगे मम्मी और पापा। तो ये यहाँ पर सामान रखवाने के लिए जा रहे हैं और 10 बजे निकलेंगे और 12:30 की है ट्रेन, तो तब तक आराम से पहुंच जाएंगे, टाइम रहेगा। पापा चार्विक जा चुके हैं और हम लोगों ने मतलब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना था वो कर लिया है। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं निकाल के बैठी हूँ ट्रेड फेयर से लाया हुआ सामान, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड गए थे ट्रेड फेयर, तो वो कुछ लेके आए थे। तो उसमें ये लाए थे बनाना चिप्स, जो कि बहुत अच्छी है टेस्ट में, बहुत क्रंची एंड बहुत अच्छी है टेस्ट में। एक ये कॉफ़ी मग, ये बैम्बू का बना हुआ है, वो चीनी वाले बर्तन होते हैं ना वो वाला नहीं है, बैम्बू वाला है। और इसके साथ है ये 3 स्पून्स जो 2 बच्चों की हैं, सेफ होती है ना, अगर आप छोटे बच्चे को फीड कराओगे तो उसके गम्स में लगने का जो होता है वो नहीं होगा, मतलब उसको लगेगी नहीं गम्स में, तो अच्छा है एंड गिर के टूटता भी नहीं है, बैम्बू का बना हुआ है तो वैसे भी सेफ है ये। और ये सूप पीने वाली चम्मच है, और एक है ये हलवा, ये कराची हलवा है, और मतलब जितने भी कलर्स का है ना, 2-3 कलर्स का है, तो सबके अपने अपने फ्लेवर्स हैं, मतलब अपना अपना टेस्ट है, तो मतलब इसमें ना ड्राई फ्रूट्स हैं मोटे मोटे बेसिकली, और ड्राई फ्रूट का ही है ये हलवा, और बड़े बड़े भी मतलब बीच में मंच करने के लिए ना, तो बड़े बड़े पीसेस भी डाले हुए हैं। और ये लाए हैं 2 ऑयल की बॉटल, ये है कोकोनट ऑयल और ये केरला का ऑयल है, मतलब केरला गवर्नमेंट का ऑयल है, प्योर ऑयल है ये, तो ये अच्छा रहता है बेबीज़ की स्किन के लिए, मतलब सॉफ्ट रहती है ना बेबीज़ की स्किन, तो बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये, ओरिजिनल है। तो दोपहर में एक पार्सल आ गया था, मैं यहाँ पे उसको ओपन कर रही हूँ, और इसमें मैंने जियांश के लिए मंगाई थी क्लोथ नैपी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी क्या विंटर है ना, तो बच्चे टॉयलेट भी बहुत करते हैं, और मतलब पूरा दिन फिर डायपर भी नहीं रख सकते यार, मतलब दिक्कत हो जाती है। देखो रैशेज़ की प्रॉब्लम हालाँकि अभी तक उसको नहीं हुई है, बट फिर भी एक सेफ साइड के लिए, और पूरा दिन भी चेंज किए तो ये भी नहीं हो सकता कि हर 2 घंटे में चेंज करें। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लोथ नैपी मंगाऊंगी, तो ये क्लोथ नैपी मैंने सुपर बॉटम्स की मंगाई है, ये मुझे 500 की 2 पड़ी है, इस तरह की इसके पैड्स हैं। शाम के 5 बजे हैं और मैं रेडी हुई हूँ, सूट पहन लिया है मैंने, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे ना तुलसी विवाह है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और लेट हो गई थी, सोचा तो था मैंने कि साड़ी पहनूंगी लेकिन साड़ी नहीं पहन पाई, तो फिर जल्दबाजी थी तो मैंने ना सूट ही पहन लिया है। देखिए सूट से आसानी रहती है थोड़ी सी, सूट पहन लिया है मैंने, और ये ले लिया है मैंने कंचन के लिए 5 बर्तनों का सेट, इसको पॉलिथीन में डाल देती हूँ और फिर चलते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया है वहाँ पे, स्टेज वगैरह लग चुका है, तो शादी होने वाली है बस, तो जल्दी से इस पॉलिथीन में भी आ भी नहीं रहा यार। उसी पॉलिथीन में डालती हूँ, थैली में डालती हूँ, आंच को तो छोड़ के जा रही हूँ कि पापा देखेंगे, मैं फटाफट से ना होके आती हूँ, सामान लेके आती हूँ, ये लिफाफा ले लिया है, इसको डाल लेती हूँ, और बैग भी लेके जाऊंगी। शाम का टाइम है, शाम
का टाइम है ना तो हल्की फुल्की ठंड भी है, तो मैं ना स्टॉल डाल लेती हूँ ऐसे। बस अब चल दिए, चलते हैं फटाफट ये सामान दे के आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि लेट हो गया है मुझे बहुत। चलिए चलते हैं, अभी इनका वेट कर रही हूँ, ये ना सीढ़ियों की कुंडी लगा लेंगे तो फिर जाऊँगी। स्टॉल रुक भी नहीं रहे कुंडी। तो बस मैं निकल चुकी हूँ, ये गेट बंद करने के लिए आ गए थे। अब चलिए शादी में, तो शादी हो रही थी एक पार्क में और वहाँ पे टेंट लगा हुआ था, उसी के अंदर शादी थी। और ये स्टेज था जहाँ पे देखिए तुलसी मैया बैठी हुई है, लहंगा पहनाया हुआ था और ना पूरा मेकअप मतलब पूरा श्रृंगार किया हुआ था, आई लैशेज लगाई हुई थी, सब कुछ किया हुआ था, मैंने पास से देखा था। और यहाँ पे ये आंटी हैं जिनकी तुलसी जी हैं, ये ही हमारे घर के पास रहती हैं। और ये मुझे ना सामान दिखा रही थी इस वक्त कि क्या क्या ये कन्यादान में देने वाले हैं। बाबू थोड़ा अटला सेट था, और मतलब सेट तो आर्टिफिशियल था, और उसके अलावा थी मतलब नथ थी दो, वो गोल्ड की थी, एक रिंग थी गोल्ड की, सिल्वर की थी, पायल थी, बिछुए थे, ये सामान जो कन्यादान में जाने वाला था, मतलब ज्वेलरी वाला सामान था ये। तो हम इस चीज़ से रिलेटेड ये मुझे बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। तो वो बोल रही थी कि जिनके बेटी नहीं है वो लोग कन्यादान कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी कर सकता है आके। तो ये देखिए, ये और भी सामान है, जैसे कि ये साड़ियाँ हैं जो लोगों ने दी होंगी तुलसी माँ के कन्यादान में, तो वो सारा ही सामान यहाँ पे रखा हुआ था, सब कुछ ये पे एक लाइन में लगाया हुआ था। और जो भी दे रहा है उसको भी यहीं रख दिया जा रहा था। ये देखिए दो जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं कन्यादान करने के लिए, तो और यहाँ पे पंडित जी भी हैं और यहाँ पे कान्हा जी को बिठाया हुआ है। तो इस तरीके से ये मतलब जो शादी है वो चल रही थी, और इसी मतलब इतना सही एरिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लोग बैठे हुए थे, एक साइड लड़की वाले एक साइड लड़के वाले ऐसे भी था यहाँ पे। और इधर मतलब इसी में ही थोड़ा आगे जाके खाना हो रहा था। अभी जब फेरे का टाइम आएगा तो तुलसी जी को वहाँ पे बिठा देंगे, अभी तुलसी जी को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। मैं भी ये सब थोड़ी देरी रुकी थी, मैं ज़्यादा तो नहीं रुकी थी, तो यहाँ पे ये सब चल रहा था। और मतलब क्या बोलते हैं, सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे कि भगवान की शादी हो रही है, मतलब अच्छा लगता है ना। मैं तो पहली बार ही गई थी इस तरीके से और इस तुलसी जी की शादी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे पंडित भी दो हैं, लड़की वालों का अलग है, लड़के वालों का अलग है। और यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे वो जूता चुराने भी आए थे, तो उनको भी ना नेक दिया गया था। चाहे भगवान की शादी थी, सब कुछ मतलब किया जा रहा था जैसे रियल वाली शादी होती है ना, सब कुछ वैसे ही कर रहे थे। बच्चे आए थे भगवान की हम जूते चुराएंगे, पंडित जी बोले वो तो खुद ही हैं उनके क्या चुराओगे, पर फिर भी उनको ना नेक दिया था। ये देखो काफ़ी सारी ना साड़ियाँ थी जो कन्यादान में आई थी, लोगों ने दी थी, या जो ये मतलब आंटी जिनकी तुलसी जी थी ये दे रहे थे। और आगे ये देखिए डबल मतलब वो थी अलमीरा थी गोदरेज की, ड्रेसिंग टेबल था, और ये देखिए इतना सारा जो सामान है ना, ये बर्तन वगैरह प्रेस थी यहाँ पे, मतलब काफ़ी कुछ था। ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सारा सामान था। और ये जो सामान जिसके ऊपर रखा हुआ है ना, तो ये सिंगल बेड था वो भी आया था। तो ये सब सामान जाएगा, जिनके हैं सालग्राम जी वहाँ जाएगा। ये इतना सारा सामान था जो तुलसी जी के कन्यादान में जाने वाला था। और यहाँ पे था खाना, आंटी मुझसे बोल रही थी कि खाना खा लो, तो मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, तो बोली ऐसे नहीं जाना है प्रसाद लेके जाना है। तो उन्होंने अपनी ही बहन को भेजा था कि इन्हें पैक करा दो थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला कि गुलाब जामुन में आपको जितनी चाहिए आप वो ले जाओ, प्रसाद तो लेकिन ऐसे नहीं जाना है, प्रसाद लेके जाना है। तो वो मेरे लिए यहाँ पे गुलाब जामुन पैक करवा रहे थे, तो मैं ये लेके आई थी घर के लिए। और फिर जब मैं निकलने वाली थी तो वहाँ पे ना देखा मैंने कि तुलसी जी को ना बिठा दिया गया है फेरों के लिए, तो फिर मैं थोड़ी देर और रुक गई ये देखने के लिए कि अभी क्या होगा, फेरे कैसे होंगे। लेकिन फेरों में तो टाइम था, मैंने यही थोड़ा सा शूट कर लिया था। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आई तो जी आँच उठा हुआ था, इसके पापा बोले कि तुम गई थी तभी से ये उठ गया था, और मैं तभी इसको रख रहा था, तो ये मेरे को देख के फिर मेरे पास बैठा हुआ है। और मैं बात कर रही थी इसके पापा से कि चाय वगैरह बना दूंगी। अब मैं फ़ोन कर रही थी चारवी को कि वो लोग पहुंच गए होंगे, जब मैं गई थी तब तक नहीं पहुंचे थे। तो फिर हम लोग मैं यहाँ पे फ़ोन कर रही थी कि चलो उससे वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी, चेंज करूँगी, खाने वाने का भी देखूँगी, इसको भी अभी मुझे खाना वाना खिलाना है, फिर दूध इन्होंने पिला दिया था। तो मैं यहाँ पे बात करा रही थी चार वीक से जियांश की बात करा रही थी। देखो कितना खुश हो रहा था उसको देख देख के, बहुत खुश होता है उसको देख के।
तो वो लोग लेट हो गए थे, ट्रेन ना शताब्दी थी, फिर भी ट्रेन ना एक दो जगह पे ऐसे ही खड़ी हो गई, जिसकी वजह से 2:30 बजे पहुंचने वाले थे और 5 बजे पहुंचे। ट्रेन का ना कोई भरोसा नहीं होता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है ट्रेन के साथ। तो फिर मुझे ना आवाज़ आने लगी थी कि गीत गाए जा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो फिर मैंने देखा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पता चला कि तुलसी जी की विदाई हो रही है। फिर मैं नीचे आ गई थी इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। तो ये वो घर है आंटी का जिनके पास तुलसी जी हैं, तो अभी ना अंदर आरती हो रही है, तो इसलिए सब लोग बाहर ना वेट कर रहे हैं कि कब तुलसी जी आएंगी, विदाई होगी। तो फाइनली यहाँ पे तुलसी जी आ चुकी हैं और अब इनकी हो रही है विदाई, अब ये चली जाएंगी लड़के वालों के घर। तो इस तरीके से ये काम हुआ, तुलसी जी की विदाई तो हो गई, अब मैं बाकी खाने की तैयारी कर रही हूँ। जियांस हो गया है तो मैंने सोचा, तो मैंने राइस बॉईल करने के लिए रखे हैं, रोटी नहीं बना रहे हम, सिर्फ राइस बनाएंगे। राइस में मैंने मटर भी डाल दिया साथ में, इसी के साथ बॉईल हो जाएगी। और फिर यहाँ पर मैं वेजेस भी कट करने लगी हूँ, प्याज काट लिया है, गाजर काट रही हूँ, शिमला मिर्च, गोभी, चार्विक का फ़ोन आ गया था वीडियो कॉल, तो उससे बात करने लग गई थी, मुझसे पूछ रहा था आप क्या बना रही हो, और बता रहा था कि हमने वहाँ पे क्या बनाया है, हमने खाना खा लिया, जी अंश कहाँ है, मैंने कहा वो तो सो रहा है। तो उससे मैंने फिर थोड़ी देर बात की, उसके बाद फिर से अपने कामों में लग गई मैं, सब्जियाँ वगैरह चॉप करने के लिए, क्योंकि फटाफट खाना बना के रख लूँगी। आज हमारा प्लान था कि हम मूवी देखेंगे, लेकिन प्लान तो फ्लॉप हो गया, बच्चों के साथ ज़रूरी नहीं है जो आप सोचो वो सब पॉसिबल हो पाए। तो लेकिन मैंने अपने कामों को तो फटाफट निपटा लिया कि चलो फ्री तो हो जाती हूँ, तो सब्जियाँ चॉप करके फटाफट फिर मैंने फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर दी थी। और यहाँ पे ये मेरे राइस बनके हो चुके हैं तैयार, बहुत टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट, ना मसाले होते हैं ना कुछ होता है, एंड फुल ऑन वेजिटेबल्स होती हैं बहुत सारे, और बहुत हेल्दी भी लगते हैं, मतलब वेजिटेबल्स खूब सारे डालती हूँ मैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग है, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।